कल का रॉस द्वीप आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम से जाना जाता है। ये द्वीप साक्षी है इतिहास के उन अनकही और अनसुनी घटनाओं का, जहां हमारे देशभक्तों पर अत्याचार और अमानवीय यातनाओं का सिलसिला चला था। जिन हाथों ने कभी अंग्रेजी सरकार के खिलाफ 1857 में बंदूकें उठाई या फिर अपनी कलम से आजादी पाने की अनंत ज्वाला जगाई थी, उन हाथों से अंग्रेजों ने अपने लिए सुख सुविधाओं के सभी सामान उपलब्ध करवाए। हम जानते हैं कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के खून पसीने से रची बसी है इसकी मिट्टी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब जापानी सेना ने द्वीपों पर कब्जा किया, तो ब्रिटिश मुख्य आयुक्त के आवास पर जापानी गैरिसन कमांडर का कब्जा हो गया। यही वो समय था जब दिसंबर 1943 में इस द्वीप में आगमन हुआ एक ऐसे व्यक्तित्व का, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दिखाकर अपना कुशल नेतृत्व दिया। पराक्रम और अदम्य साहस से परिपूर्ण और प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आजाद हिंद के सुप्रीम कमांडर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान दौरे के दौरान 29 से 31 दिसंबर 1943 को इसी द्वीप पे आवास किया था, और तब 3 दिनों तक कभी ब्रिटिश मुख्य आयुक्त का आवास रहे बंगले के ऊपर भारतीय तिरंगा फहरा रहा था। यही वो समय था जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 30 दिसंबर 1943 को पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा फहराकर इन द्वीपों को सबसे पहले आजाद होने का गौरव प्रदान किया था। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा यहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मारक के निर्माण की घोषणा हर देशवासी के लिए गौरव की बात है। इस स्मारक के जरिए जहां देश नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, वहीं इससे यहां पर्यटन को भी बहुत बढ़ावा मिलेगा। साथ ही यहां के ऐतिहासिक धरोहर और विरासत को भी संरक्षण मिलेगा। इस राष्ट्रीय स्मारक में नेताजी के अनुकरणीय जीवन और स्वतंत्रता संग्राम में उनके अमूल्य योगदान पर आधारित म्यूजियम कम इंटरप्रिटेशन सेंटर, गाइडेड हेरिटेज ट्रेल, पोर्ट ब्लेयर और इस द्वीप के बीच रोपवे, लेजर अथवा लाइट एंड साउंड शो, थीम आधारित बच्चों का मनोरंजन पार्क, फूड एवं रेस्टो लॉन्च आदि का प्रावधान किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इस अमृत काल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जन्म वर्षगांठ पर बनने जा रहा ये राष्ट्रीय स्मारक इस द्वीप को विश्व के पर्यटन मानचित्र में विशेष स्थान दिलाएगा।